नमस्कार, मैं हुसीमा और सीमा इंडियन रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं मठरी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और यह बहुत झटपट बन जाने वाला नाश्ता है। यदि आपके घर में गेस्ट आ जाए तो बहुत जल्दी ही बन जाता है। और यह चाय टोमेटो सॉस के साथ बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे ले लिए हैं 500 ग्राम मैदा, 4 चम्मच घी, घी से मोयन बहुत अच्छा होता है, 2 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच कलौंजी, 1 छोटा चम्मच जीरा और जरा सा मीठा सोडा और स्वाद के अनुसार नमक। तो चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे ले लिए हैं एक बर्तन, उसमें हम छन्नी से मैदा को छान लेंगे, क्योंकि जो भी इसमें हो एक्स्ट्रा चीज़ वो निकल जाए। हमने मैदा को छान लिया है और इसमें हम ऐड कर देते हैं जीरा, कलौंजी, इसको कोई मंगरेला भी बोलता है, अजवाइन, कस्तूरी मेथी। अब ऐड करेंगे घी, आप यहाँ पे रिफाइन ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे मीठा सोडा और टेस्ट के अनुसार नमक। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स करेंगे। हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि सभी चीज़ एक दूसरे से मिल जाए। मैदा में सभी चीज़ मिक्स हो गया है, तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारी मुट्ठी बन रही है नहीं। तो हमारी मुट्ठी बन रही है, यानी मैदा हमारा अच्छे से मिक्स हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और हल्का हल्का पानी देकर एक अच्छा डो लगाएंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करें, नहीं तो हमारा मठरी का डो गीला हो जाएगा और मठरी हमारी अच्छी नहीं बनेंगी। मठरी के लिए हमें कड़ा सा डो तैयार करना है। मठरी का डो हमारा रोटी या पूड़ी की तरह नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल सख्त होना चाहिए, तभी मठरी हमारी अच्छी बनेगी और क्रिस्पी बनेगी। डो को हमें ज़्यादा नहीं गूंदना है, बस इकट्ठा कर लेना है। तो ये देखिए, डो हमारा इकट्ठा हो गया है। मैं दिखाती हूँ कि डो हमारा कैसा होना चाहिए। ये डो हमारा इस तरह का होना चाहिए, बस एक दूसरे में मिक्स हो जाना चाहिए, हमें इसको चिकना नहीं करना है। तो ये देखिए, डो हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देते हैं ताकि सभी चीज़ एक दूसरे में मिल जाए। 10 मिनट हो गया है, तो हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम टुकड़े टुकड़े कर लेंगे। इसे हम एक रोल शेप देकर छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह का हमें टुकड़े चाहिए। आप यहाँ छोटे बड़े किसी भी साइज का बना सकते हैं। सभी छोटे छोटे लोइयों को हम चिकना कर लेंगे हथेली से और इसे हम चपटा कर लेंगे। तो ये देखिए, हमें इस तरह का मठरी चाहिए। इसी तरह हम सभी मठरी को गोल शेप देकर और इसे हम चपटा कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बेल करके भी बना सकते हैं, हल्का हल्का बेलन चला करके। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। बस इसी तरह से हमने 1 से 2 बार बेलन चला लेना है और इस तरह का हमें मठरी चाहिए। इस प्रकार सभी मठरी को आप बेलन की सहायता से बना सकते हैं, पर यहाँ पे हम हाथ से मठरी को बनाए हैं। हाथों से भी आप अच्छे से मठरी बना सकते हैं। और ध्यान रखें, मठरी हमारा मोटा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा इसको हम पतला ही रखेंगे, तभी हमारी मठरी क्रिस्पी बनेगी। इस प्रकार से हम सभी मठरी को तैयार कर लिए हैं। तो चलिए, अब हम इसे तल लेते हैं। तो यहाँ पे हम
गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। आप यहाँ रिफाइंड ऑयल, घी, कोई भी ऑयल का यूज कर सकते हैं। अब हम इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम छोटा सा टुकड़ा डालकर तेल को चेक कर लेते हैं कि गर्म हुआ है या नहीं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें मठरी को डाल देंगे और एक एक मठरी को हम ऑयल में डाल देंगे, और ज़्यादा मठरी नहीं डालेंगे वरना हमको पलटने में दिक्कत होगी। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, मठरी हमारी लो फ्लेम पे अच्छी बनेंगी और क्रिस्पी बनेंगी। मठरी को अब हम पलट लेते हैं और अच्छे से इसको सेकने देंगे, और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो मठरी हमारी जल जाएगी। मठरी को हमें रेड नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक ही रखना है, इसलिए हमें लो फ्लेम पर इसको पकाना है। मठरी को हम उलट पुलट कर सेक लेंगे और हमारी मठरी को 10 मिनट हो गया है और ये सिक गई है। तो ये देखिए, मठरी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मठरी हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। फिर से हम बची हुई मठरी को भी हम डाल लेते हैं और इसे भी हम अच्छे से लो फ्लेम पे ही सेकेंगे। इस मठरी को भी हम सेम प्रोसेस से तैयार करेंगे और अच्छे से उलट पुलट कर हम लो लो फ्लेम पे ही पकने देंगे। एक बार मठरी सेकने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाता है, तो इसे धैर्य पूर्वक मठरी को बनाए। तो ये मठरी भी हमारी सिक गई है, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, सभी मठरियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। तो ये देखिए, मठरी हमारी कितनी अच्छी बनी है और कितनी क्रिस्पी बनी है, कितनी अच्छी दिख रही है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। अब देखिए, हम इसे तोड़ कर दिखाते हैं। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। तो यही थी आज की हमारी मठरी की रेसिपी। बहुत अच्छी बनी है, बहुत क्रिस्पी बनी है, तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि हमारी मठरी की रेसिपी अच्छी लगी हो, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई नई रेसिपी जाननी हो तो कमेंट कीजिएगा, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।